जीबी के एसएस पलामू प्रमंडलीय पदाधिकारी गण के नेतृत्व में एक अहम बैठक डाल्टनगंज के पलामू क्लब ने रखी गई, जिसमें डाल्टनगंज विधानसभा, छतरपुर विधानसभा, गढ़वा विधानसभा के प्रखंड कमेटी विस्तार का कार्य किया गया। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र पंचायत कमेटी का विस्तार कर उनकी सूची सौंपने का कार्य करें और कार्यक्रम आरम्भ करना सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि टाइगर जयराम महतो का आगमन 20 जून 2024 को आने की तैयारियों और विधानसभा के चुनाव को लेकर अहम बैठक रखी गई। इस बीच चुने गए अध्यक्ष रामगढ़ से इमरान अंसारी, सचिव संजय यादव, कोषाध्यक्ष अखिलेश यादव भंडारिया से विनय सिंह, सचिव शिवलोचन सिंह, बड़गढ़ से राजकुमार राम, सचिव नूरशाद अंसारी, कोषाध्यक्ष सरफुद्दीन अंसारी, तमाम लोगों को फूल का माला पहनाकर सम्मानित और स्वागत किया गया। पलामू से इमरान की रिपोर्ट। पलामू क्लब में जेबीकेएसएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के गहन विचार मंथन किया गया। साथ ही टाइगर जयराम महतो जी का जो कार्यक्रम पलामू में होने वाला है उसको लेकर के बहुत ही विचार विमर्श किया गया। विभिन्न प्रखंडों से सभी प्रखंड अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई। हम तमाम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि चूंकि हमें भी नाम भेजा जा रहा है, पता नहीं कितने दिन तक जिला अध्यक्ष रह पाएंगे, ये तो जयराम दादा जानेंगे, लेकिन जिला अध्यक्ष का भार भी मुझे मिला है। हम अहोभाग्य हैं कि हमें पलामू जिला चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी साथियों का धन्यवाद देते हैं और जितने भी साथी इस मीटिंग में पधारे हैं, हम सबसे उम्मीद करते हैं, चूंकि जिला हम अकेले नहीं चला सकते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, सब लोग ये समझ लें कि हम सभी लोग जिला अध्यक्ष हैं और हम लोग सभी लोग टाइगर जयराम महतो हैं। मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं करते हुए फल मिलेगा, चूंकि अभी आप देख सकते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सभी पार्टी का नींद हराम हो गया है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि पलामू में जयराम दादा का जब कार्यक्रम हो जाएगा तो यहाँ भी जो सेंट्रल पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गया और पार्टी आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, इस सबका भी नींद बहुत जल्द हराम होने वाला है और हमारे बीच बहुत जल्द ही पलामू में पधारने वाले हैं दादा। हम लोग सब लोग मिलकर के उनका ऐसा स्वागत करेंगे कि पलामू भी याद रखेंगे। क्यों लगता है आपको, क्या देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी की टीम में नए नए युवा खासकर जुड़ने की कोशिश करते हैं? आप देख सकते हैं कि जब वो आंदोलन चालू किए हैं, या 60-40 का आंदोलन हो, या खनन का आंदोलन हो, या कितने खनिज जो मर जा रहे हैं उन लोग का मुआवजा दिलवाने का आंदोलन हो, तरह तरह का आंदोलन, जो क्योंकि रोजगार का आंदोलन हो, यहां से लेकर मुंबई तक उन्होंने आंदोलन किया, तो खास करके रोजगार के प्रति युवाओं का रुझान है, क्योंकि युवाओं का जो है कंधे पर देश का भार टिका हुआ है, इसलिए वो आएंगे तो रोजगार पर हम लोग फोकस करेंगे और एक वही उम्मीद झारखंड का बचे हैं कि रोजगार हम लोग को दिला सकते हैं। महिलाओं के अधिकार के लिए और जो भी महिलाएं 5 किलो रास्ता पे ही मतलब डिपेंड करती है, उससे आगे बढ़े, उनका वास्तविक अधिकार, उनको वास्तविक अधिकार क्या है, क्या होता है, उनको बताएंगे, जागरूक करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अभी तो एक महिलाएं हैं हम, लेकिन देखिए आने वाले समय में, कुछ समय में आप महिलाओं का संख्या आप देखेंगे जेबी के पार्टी में। प्लाऊ प्रमंडलीय बैठक प्रखंड स्तरीय कमेटी विस्तार हेतु रखा गया था, जिसमें सभी प्रखंड के सदस्यों की पूर्ण सहभागिता रही। यह बैठक एक बदलाव के लिए रखा गया है, जो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व करने को लेकर सृष्टि किया। यह घड़ी है बदलाव ये जंग की, यह घड़ी है बदलाव ये जंग की, हुक्मरानों की आंखों की नींद उड़ी है, सुन ऐलान क्रांतिकारी जंग, युवा ऐलान कर चुके हैं, क्रांतिकारी की धारा उनमें भर चुकी है, इनकलाब उनको जागृत हो